हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग फिंगर्स। तो चलिए बताती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 से 10 अंडे लिए हुए हैं और एक बॉल लिया है हमने। अब इसमें हम अंडे को तोड़ लेंगे इस तरीके से, और जो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम 6 से 8 अंडे को तोड़ लेंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने इसे तोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी जीरा और काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूंगी इसके अंदर, और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी मैं 2 चुटकी, और इसे मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब एक यहाँ पे हम थाली लेंगे, या इस तरीके का आप कुछ भी बॉल सा ले सकते हैं जो चौड़ा बर्तन हो, उस तरीके से थोड़ा सा वेल डाल करके हम इसको ग्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं अब इसके अंदर मैं अंडे को डाल दूंगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडे को मैंने डाल दिया है, और यहाँ एक कढ़ाई में हमने 1 ग्लास पानी बॉयल में कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं एक स्टैंड डाल दूंगी इस तरीके का, और इस पे मैं ये अंडे का बॉल को रख दूंगी। आप एक थाली में भी रख सकते हैं, और ऊपर से मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे हम पकने देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे एक चाकू की मदद से मैं इस तरीके से चेक करूंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो ये हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी मैं इसे, उसके बाद से एक चाकू के मदद से इसको इस तरीके से पतले आकार में हम लंबे पीसेज में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे पीसेज में भी कट करके बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लंबे लंबे पीसेज में इसे कट कर लिया है, और अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो एक चाकू एक चम्मच के मदद से इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसे। इसी तरीके से मैं सारे पीसेज को निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं सारे पीसेज हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक ये है ब्रेड क्रम्स, और यहाँ एक प्लेट में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच बेसन, और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून सूजी, और सेम इसमें मैं नमक 1 चुटकी, लाल मिर्च, देख सकते हैं नमक और लाल मिर्च हमने ऐड किया है, और फिर यहाँ पे जीरा और काली मिर्च पाउडर डालूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाले या कुछ और गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। और एक बॉल में हमने एक अंडा और ले लिया है तोड़ के, और इसमें भी सेम चीज़ें हम डालेंगे, मिर्च, नमक और काली मिर्च, जीरा पाउडर, और इसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो उसके बाद से ये पीसेज में अंडे का पीसेज एक उठाऊंगी और अंडे में डिप कर दूंगी इस तरीके से। ये बॉईल किया हुआ अंडे को मैं लिक्विड अंडे में बॉईल डिप करके, और फिर इस मैदे से मैं डस्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे अच्छे तरीके से हमें कोट कर लेना है चारों तरफ से। उसके बाद फिर मैं इसे अंडे के अंदर डिप करूंगी कोट करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कोट हो चुका है, फिर इसे अंडे में मैं इस तरीके से डिप कर दूंगी, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। तो मैं एक चम्मच के मदद से चारों तरफ से अच्छे से इसे डिप कर लिया है। अब इसे निकाल करके हम ब्रेड क्रम्स पे रख देंगे, और चारों तरफ से इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे चारों तरफ से कोट करके, और थोड़ा हाथों से प्रेस करते हुए हमें बिल्कुल कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स से इस तरीके से। आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से हम सारे पीसेज को कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से ही हमें करना है। ये चारों तरफ से हम पहले मैदा और बेसन से कोट कर देंगे, उसके बाद से फिर डिप करेंगे, और लास्ट में हम ब्रेड क्रम्स से करेंगे इसको कोट।
तो फ्रेंड्स इसे ही आप ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। ये शाम के टाइम या सुबह के टाइम आप इसे बना सकते हैं चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार इसे ट्राई करें। और आप वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो उसे भी आप डाल सकते हैं अंडे के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने सारे फिंगर्स तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे अब फ्राई करते हैं। तो गैस ऑन करके हमने रख दिया है कढ़ाई, और वेल हम इसमें गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो वेल गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम अपना डाल देते हैं फिंगर्स को। इस तरीके से आराम से आप डालें, एक बार में जितना आए उतना ही हमें डालना है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक साइड से हम 2 मिनट तक सेकेंगे, उसके बाद इसे पलट लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से वेल डालते हुए हम इसे 2 मिनट तक सेक लिए हैं। अब इसे मैं पलट देती हूँ दूसरे साइड। तो आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन होने लग गया है। तो अब इसे मैं पलट दूँगी इस तरीके से। दूसरे साइड भी हम 2 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे गोल्डन ब्राउन हमें फ्राई करना है, और ये हो चुका है। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से हम सारे फिंगर्स को फ्राई कर लेंगे। तो ये अब दूसरा बैच हम डाल रहे हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये बनके बिल्कुल रेडी है, और आप इसे चटनी, चाय या किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, नाश्ते के अंदर या शाम की चाय के साथ। तो बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू।